Welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing real numbers and this is lecture number 4. I hope you have already watched part 1 to part 3 before watching part 4, which is on arithmetic. What is that and how we can deal with theorems? Chapter mein hum pehle Euclid division lemma ki baat kar chuke hain aur Euclid division lemma ke applications ki bhi baat kar chuke hain, uske aadhar pe HCF ki bhi baat kar chuke hain. अब हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन अरिथमेटिक. ये क्या है अरिथमेटिक का मतलब? प्राइम और कंपोजिट नंबर से हमने पहले तो बता रखा कि प्राइम नंबर क्या होता है, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं. व्हाट इज प्राइम नंबर? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे फंडामेंटल थ्योरम ऑन अरिथमेटिक. ठीक है, ये टॉपिक है हमारा आज का, जिसको हमें डिस्कस करना है. लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले डिस्कस करना चाहते हैं कि व्हाट इज प्राइम नंबर. आपको याद होगा, वैसे तो हमने बता रखा है प्राइम नंबर क्या होता है. द प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैज एग्जैक्टली दोज नंबर्स which has exactly two divisors, right? Two divisors, either one or itself, same prime number, exactly two divisors. So prime numbers has exactly two divisors and some of the prime numbers are like 2, 3, right? 5, 7, 11, 13, 17, 19, you know. So now some important information I would like to tell you about the prime numbers, and you should remember it just for sake of knowledge, nothing else. That 2 is only even prime number. 2 is only even prime numbers. And all other prime numbers are odd. Because अगर कोई और even होगा तो 2 से divide तो हो ही जाएगा. अगर 2 से divide हो जाएगा तो उसके 3 divisor हो जाएंगे. एक 1, एक खुद number और तीसरा 2. तो ये definition तो फिर valid नहीं रहेगा, है ना? तो exactly 2 divisors होने चाहिए. कितने divisors होने चाहिए? 2. और 2 divisor होने के लिए जरूरी है कि हमारे पास क्या होनी चाहिए? सिर्फ वन और वो नंबर. तो एक तो ये हो गया. दूसरा चीज है कि वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर. अब कंपोजिट नंबर इसमें एक आ गया कि कंपोजिट नंबर क्या है. तो पीछे हमने बता रखा था कि कंपोजिट नंबर्स के कम से कम 3 डिवाइजर होते हैं. तो कंपोजिट नंबर क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखे उसके बाद बात करते हैं. कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैज एट लीस्ट हाउ मेनी डिवाइजर? 3 डिवाइजर. 3 डिवाइजर्स, कम से कम 3 डिवाइजर, तो उसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर्स. जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर्स. इनके कितने डिवाइजर्स हैं? ये हमने बता रखा है पहले, इसके 1, 2 और 4. इस तरह से 15 के कितने डिवाइजर्स हैं? तो 15 के डिवाइजर्स हैं 1, 3, 5, 15. ये 4 डिवाइजर है ना. तो इनके 3, कम से कम 3 डिवाइजर, 3 से ज्यादा हो सकते हैं, एटलीस्ट 3 डिवाइजर होने चाहिए, और 3 से ज्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है. 1 के केस में क्या है कि इसमें न तो 2 डिवाइजर है न 3 डिवाइजर. 3 डिवाइजर है नहीं और 2 डिवाइजर भी नहीं है, तो न तो ये प्राइम है न कंपोजिट है. प्राइम के डेफिनेशन में भी नहीं आता, कंपोजिट के डेफिनेशन में भी नहीं आता. तो इस तरीके से ये 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर. अच्छा, एक दो इंफॉर्मेशन और दे देता हूं.
देयर आर 15 प्राइम नंबर्स अप टू 50 तक, 15 प्राइम नंबर है, आप चाहो तो घर पे बैठ के गिन लेना, ठीक है ना। और दूसरा, 100 तक कितने प्राइम नंबर है, देयर आर 25 प्राइम नंबर्स अप टू 100। और ऐसे ही आगे भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी नहीं है। इतना जरूरी है कि 15 प्राइम नंबर के कहाँ तक है, 15 प्राइम नंबर है 50 तक, बैठ के घर में गिन लेना कभी, ठीक है। और 25 प्राइम नंबर है कहाँ तक, 100 तक, इतने याद रखने हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है उसमें पता है कितने डिजिट्स है, 11.68 मिलियन डिजिट। अभी तक जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर पता चला है उसमें 11.68 मिलियन डिजिट है, यानी अगर एक लाइन में लिखा जाए तो मुझे लगता है कि 100 मीटर तो लगेंगे कम से कम लिखने में, इतने बड़े नंबर, तो ये इतने बड़े डिजिट उसमें है। और प्राइम नंबर टेस्ट करने के अलग अलग तरीके भी हैं। तो कंपोजिट नंबर्स जो हैं, ये देख रहे हैं कि कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स में से, जैसे हमने ये 15 को लिखा कि 15 के फैक्टर क्या क्या हो गए, 1, 3, 5, 15। इसमें ये जो है, और ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, लेकिन ये दोनों जो है ये कहलाएंगे प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स। तो कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, हर एक नंबर के, कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं। और ये कैसे हम पता करेंगे, तो 15 को अब लिख सकते हैं 3 × 5, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये है प्रोडक्ट ऑफ क्या, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी एक कंपोजिट नंबर है जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही थ्योरम है कि कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स यूनिकली, यानी ऐसा कोई और तरीका नहीं हो सकता जिसमें 15 को कोई और प्रोडक्ट के फॉर्म में इसके अलावा हम रिप्रेजेंट कर सके, इसके अलावा कोई रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरम, थ्योरम की स्टेटमेंट ये हो गई, थ्योरम हो गई ये, थ्योरम ये हो गया कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फैक्टर ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स यूनिकली, मतलब दूसरा कोई नहीं हो सकता, यही थ्योरम। तो ये फैक्टर निकालते कैसे, तो फैक्टर निकालने के लिए हमें एक ट्री मेथड होता है, ट्री मेथड, कि ये 15 है, ये एक नंबर है और इसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो इस नंबर में से एक, सबसे पहले हम ढूंढेंगे कौन सा छोटा से छोटा एक नंबर प्राइम नंबर है जो इसको डिवाइड कर सके। तो 2 कैन नॉट डिवाइड बिकॉज ऑड नंबर है, यूजुअली 2 डिवाइड करेगा अगर इवन नंबर होगा तो, अगर ऑड नंबर है तो 2 डिवाइड नहीं करेगा, तो 3 डिवाइड करेगा। अब 3 के बाद इधर क्या बचेगा, तो इधर बच गया ये हमारे पास 5, 3, 5 या 15। अब 5 खुद एक प्राइम फैक्टर है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 15 को 3 × 5,
ये छोटा सा है, आप कहेंगे ये क्या मजाक है, ऐसे तो हमें पता ही था कि 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़े नंबर होंगे, इसको ट्री मेथड कहते हैं। इस मेथड को बच्चा वाला चीज ही सीखना है, बड़े वाले तो सीखना ही नहीं है। देखो ट्री मेथड है, इसको कहते हैं ट्री मेथड, है ना। तो ऐसा ही अगर कोई बड़ा नंबर हो, जैसे मान लीजिए कि 24 है नंबर, ये देखिए कि नंबर है 24, इसको लिखने के लिए पहले लिखना होगा 2 से डिवाइड होगा तो 2, और यहाँ पे क्या बच गया, ये बच गया 12, है ना। तो एक हो गया 2 और एक हो गया 12। जो दूसरा है उसको बॉक्स में लिखते हैं, इसको बॉक्स में नहीं लिखते, 2 लिख दिया इसको, ठीक है। अब 12 को फिर किससे डिवाइड करेंगे, तो 12 को फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या बचेगा, फिर बच जाएगा 6। अब 6 को किससे डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 2 और यहाँ बच गया 3, ठीक है। तो ये 3, तो ये बन गया आपका प्राइम फैक्टर 24 का, 2 × 2 × 2 × 3। सो 24 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 3। तो ऐसे ही सबका, इसको कहते हैं ट्री मेथड, ऐसे आप कर सकते हैं। ये चीज हमने बनाया है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, बट ये पता चल गया कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या 2 का पावर 3 × 3 लिख सकते हैं। दोनों चीजें एक ही है और ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, इसके अलावा हम कोई और तरीके से इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एक और खास बात मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी नंबर के में अगर प्राइम फैक्टर 2 और 5 आए तो उसमें 0 जरूर आएगा, 2 और 5 का प्रोडक्ट होगा तभी उसमें 0 होगा। जैसे 10 है तो 10 को 2 × 5 लिखने से ही 10 होगा। तो ओनली दीज 2 आर प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 विच कैन कन्वर्ट अ नंबर इन फॉर्म ऑफ जीरोज और विच कैन ब्रिंग एट द एंड ऑफ नंबर 0। 2 और 5 ही है, तो जिसमें 2 और 5 के पेयर नहीं होंगे उसमें 0 नहीं आएगा, ठीक है ना। कम से कम 2 और 5 के पेयर एक होने चाहिए, और एक पेयर कितने 0 देगा, 1 0। अच्छा मान लीजिए जैसे 100 है, तो 100 में 2, इसको प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 × 5 × 5 होगा। तो इसके दो पेयर बन गए, एक 2 और 5 के एक पेयर बन गए और एक 2 और 5 का दूसरा पेयर बन गए, तो दो पेयर बन गए इसलिए 2 0 आता है, 2 पेयर्स 2 0, है ना। 2 पेयर आ गए तो 2 0 आ गया। तो जितने पेयर्स 2 और 5 के होंगे उतने ही 0 होंगे। किसी भी कंपोजिट नंबर के एंड में कितने 0 होंगे ये बात डिपेंड करेगा कि 2 और 5 के टॉप पेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, जीरोज एट द एंड ऑफ एट द नंबर, ठीक है। किसी भी नंबर में अगर आखिरी में 3 0 है तो इसका मतलब 2 और 5 के 3 पेयर कम से कम बन रहे होंगे, ठीक है ना। तो जितने 2 और 5 के पेयर होते हैं उतने ही 0 एट द एंड होते हैं, इस बात को दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो ये ट्री बनाने आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, छोटे छोटे ऐसे ब्रेक करके। अगर बड़ा नंबर मान लीजिए 36 होता तो हम 36 को पहले 2 से डिवाइड करते, फिर 18 मिलता, फिर 2 से डिवाइड करते, तब तक 2 से डिवाइड करते हैं जब तक नंबर क्या हो, इवन हो। ये इवन नंबर जब तक रहेगा 2 से डिवाइड करते रहेंगे, जब ऑड होगा तो हम देखेंगे कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और लास्ट में अगर 0 हो या 5 हो तो 5 से डिवाइड होगा, तो प्राइम नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो ये तो छोटी सी बात है जो आप लोगों को पता होगा निश्चित रूप से, है कि नहीं पता, पता है ना, ठीक है। अब थोड़ी सी बात एलसीएम की करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये कहो क्या, ये तो हम लोग जानते हैं। तो कॉमन मल्टीपल निकाले, मल्टीपल निकालेंगे तो हमने मल्टीपल ऑफ 4 लिया, 16 20 28 32 36, तो क्या हो गया, 6 12 18 24 30 36, लाइक दिस और भी आता रहेगा। इन सब में कॉमन मल्टीपल क्या है ये देखते हैं। तो ये 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है,
36 इसमें भी है, 36 इसमें भी है, तो इनमें कॉमन मल्टीपल हो गया, कॉमन मल्टीपल आर 12, 24 एंड 36, एंड इसमें से सबसे लीस्ट कौन है, तो लीस्ट है इसमें से ये, सो लीस्ट है ये है लीस्ट, तो हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया मल्टीपल जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में एलसीएम, ये हो गया 12। तो 12 क्या है, हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि बड़े बड़े क्लास में भी लोग एलसीएम का मतलब नहीं जानते, और एलसीएम निकालते कैसे हैं वो तो जानते हैं, लेकिन एलसीएम कब निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आता, उसका मतलब क्या होता है ये नहीं पता लोगों को होता है। तो एलसीएम 12 क्या है, 12 क्या सिग्निफिकेंस करता है, कि ये वह छोटा से छोटा नंबर है जिसमें नंबर से डिवाइड हो सकता है, ये नंबर से डिवाइड हो सकता है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। सो एलसीएम ऑफ नंबर इज ए लीस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई, विच कैन बी डिवाइडेड बाई नंबर्स, एलसीएम ऑफ नंबर्स इज ए लीस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई नंबर्स, दैट इज 4 कैन डिवाइड दिस 12 एंड 6 कैन डिवाइड दिस 12, राइट ना। तो ऐसे ही अगर किसी बड़े नंबर का हमें एलसीएम निकालना है, मान लीजिए 24 और 36 का निकालना है, तो हम 24 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 24 को, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इनका एलसीएम निकालने का तरीका यह है कि एलसीएम में होना चाहिए ऐसा जिससे डिवाइड हो सके, तो हाईएस्ट पावर लेते हैं, जो प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लेते हैं, तो यहाँ हाईएस्ट पावर 2 का क्या है 3, और 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 2, ये हो गया 8 इंटू 9 दैट इज 72, तो एलसीएम इज 72, यानी इन एलसीएम हमें क्या लेना होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स, एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर, ये हम बोल सकते हैं कि एलसीएम ऑफ टू एंड मोर नंबर, अभी से ठीक से पढ़ो ये आगे बहुत काम आता है, हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में भी जरूरत पड़ती है, एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर, मोर नंबर्स इज द हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स, ईच प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स, नंबर्स ठीक है, ये होता है हमारे पास एलसीएम, और ये इसकी जरूरत है, किसी भी जितने भी नंबर्स होंगे उसका हाईएस्ट पावर हम लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हमने इसमें 2 का जो हाईएस्ट पावर था यहाँ से 3 लिया, और इसमें 3 का यहाँ पावर 1 है यहाँ 2 है तो 2 लिया, इसलिए 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 लिया, ये हो गया एलसीएम। अब एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ भी आप सीख चुके हैं, अगर इसी का हमें एचसीएफ निकालना होता तो फॉर एचसीएफ हम ऐसा ही करते, एचसीएफ को भी थोड़ा ठीक से पहले समझते हैं फिर उसके बाद हम बात करेंगे। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, एचसीएफ एग्जाम्पल लेते हैं, और क्या लेते हैं जैसे 24 और 36, एंड 36 का हमें एचसीएफ निकालना है, तो हम लिखेंगे पहले 4R1 2, मतलब जो नंबर 24 को डिवाइड कर सके, कौन कौन से डिवाइड कर सकता है, 1 2 3 8 12 24, ये डिवाइड कर सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ 36 आर क्या कर सकता है 36 को, 1 2 3 4 6 9 12 18 36, आउट ऑफ देम कॉमन फैक्टर्स आर, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें जो कॉमन है, आप ये देखिए 1 भी कॉमन है दोनों में, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, और 12 भी कॉमन है दोनों, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं, तो कॉमन फैक्टर्स आर
क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 6 and 12. आउट ऑफ देम विच इज वन इज ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट इज 12. सो देयरफॉर आउट ऑफ देम हाईएस्ट इज 12. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 12. सो 12 क्या यहाँ सिग्निफाई कर रहा है, क्या सिग्निफिकेंस है 12 का? 12 वो नंबर है जो बड़ा से बड़ा नंबर है जो 24 और 36 दोनों को डिवाइड कर सकता है. तो एच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेट नंबर विच कैन डिवाइड, विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर्स, गिवन नंबर्स. एलसीएम डिवाइडेड बाय द नंबर्स और एचसीएफ कैन डिवाइड द नंबर्स. ठीक है ना, एचसीएफ नाम है ग्रेटेस्ट लेकिन होता नंबर ये छोटा है और उसका नाम है लिस्ट, लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेकिन वो नंबर से बड़ा या बराबर होता है. तो ये एचसीएफ में हमें छोटा नंबर चाहिए, नंबर से छोटा चाहिए. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कॉमन पावर लेते हैं, लीस्ट कॉमन पावर. कैसे? अब यही एचसीएफ हमें निकालना हो 24 और 36 का, तो हम कैसे करेंगे? 24 का जैसे हमें प्राइम फैक्टर लिखा था, तो 24 का प्राइम फैक्टर लिखा था 2 to the power 3 और 3 का पावर 1. 36 का हमने लिखा 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर. अब इसका अगर एचसीएफ निकालना है तो हमें लिखना होगा इसका लीस्ट पावर. व्हाट इज दिस लीस्ट पावर? एचसीएफ इसका होगा लीस्ट कॉमन पावर. कॉमन 2 कॉमन है दोनों में, उसका लीस्ट पावर है 2 और 3 का कॉमन पावर, लीस्ट कॉमन पावर है 1. तो ये हो गया 4 × 3 दैट इज 12. ये एचसीएफ हुआ. यानी एचसीएफ में क्या करते हैं, रिमेंबर दिस, इन एचसीएफ to find HCF, the least common power, multiplication of least common power. HCF is the product of, HCF is the product of least common powers of prime factors, prime factors. ठीक है, ये होता है. तो ये बात दिमाग में रखना है कि HCF में हम क्या करते हैं, बड़ा least common power लेते हैं और LCM में क्या करते हैं, greatest common power लेते हैं. ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखना है. थोड़ी सी बात और कर लेते हैं. HCF जो फ्रैक्शन का होता है वो कैसे निकालते हैं? कोई फ्रैक्शन का अगर HCF निकालना हो तभी सिर्फ फॉर्मूला याद रख लो, आगे हम बताएंगे. ठीक है, HCF, HCF of LCM of fraction is, LCM of fraction is LCM of numerators NR, शॉर्ट में लिख दिया numerators को, and HCF of denominators, denominators को dr लिख दिया, and HCF of fraction, HCF of numerators upon LCM of, इसको आप याद रखो, इस पे हम क्वेश्चन आगे बताएंगे आपको और क्यों होता है, कैसे होता है, इस पे चर्चा आगे होगी. फिलहाल आप ये याद रखें कि LCM of fraction is NR stand for numerator, where NR stand for numerator and DR stand for denominator. ठीक है, तो ये है LCM. अगर ये LCM निकालना है इसका तो LCM ऊपर रहेगा और HCF निकालना है तो HCF ऊपर वाले का होगा और दूसरे वाले का नीचे वाले का HCF उल्टा वाला होगा. डिनोमिनेटर का LCM निकालना है तो HCF और HCF निकालना है तो LCM. तो ये तरीका है. ठीक है, इसको याद रखना है और फिर हम अगली क्लास में बात करेंगे. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा चित्र कि प्राइम फैक्टर होता है रेकम्पोजिट नंबर का
और इट्स बेसिकली है क्या, एलसीएम इज डिवाइडेड बाय द नंबर्स एंड एचसीएफ विल डिवाइड द नंबर्स विदाउट एनी रिमाइंडर, मींस डिवाइडेड बाय द विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स विल डिवाइड द नंबर्स विदाउट एनी रिमाइंडर। ये डिफरेंशिएशन जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक ये नहीं पता चलेगा कि किसी क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। तो ये चीज मैं बड़ी क्लास को भी देखता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो उसमें देखता हूँ आईएएस आईपीएस के लिए बच्चे तैयारी करने आते हैं, उसमें भी ये कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं रहता और इसलिए ये क्वेश्चन करने में उनको दिक्कत होती है। बेसिक कंसेप्ट उनको नहीं पता होता, उनको ये पता होता है एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कई सारे लोगों को ये पता होता है, लेकिन क्यों निकालते हैं, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन पढ़ के कैसे पता चलेगा कि इसमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, तो ये उनको नहीं पता चलता। एलसीएम क्या है, एक्युमुलेशन ऑफ नंबर है, रिपीटेशन ऑफ नंबर्स है, और एचसीएफ क्या है, ये है नंबर्स का डिवीजन। तो जब किसी चीज को डिवाइड करना हो छोटे छोटे ग्रुप में, तो इक्वल ग्रुप्स में, तो हम उसे एचसीएफ निकालते हैं, और जब किसी चीज को एक्युमुलेट करना है, रिपीटेशन करनी है, टुगेदरनेस होनी है, तब हम निकालते हैं एलसीएम। तो इसी बात के साथ आज का ये क्लास खत्म होता है, ठीक है, मन लगा के पढ़ो और कोशिश कर लेना अगली क्लास में जब हम मिलेंगे।